उस बचने के कारण आपको असुविधा होने के कारण मैं क्षमा याचना नहीं करता हूँ। और फिर ये विचार हुआ कि मैं आप आधिकारिक रूप से सभी बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूं। गोविंद देव गिरी जी महाराज हमारे पूना के हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो कल आ गए थे तो मैंने आपसे निवेदन किया आप भी पधारें। यहाँ अनेक संत आ गए हैं, हमारे ट्रस्टी युग पुरुष परमानंद जी महाराज पधार चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद जी भी हैं, हरिद्वार से भी अखाड़ों के अनेक महंत आ गए हैं। कल शाम तक सभी लोग आ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत, सरकारी व सुरेश भैया जोशी और अन्य पदाधिकारी भी कल रात्रि तक आ जाएंगे। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। नेपाल के संत भी आएंगे, जनकपुर का बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से रिश्ता है, जानकी जी जनकपुर की थी, वहां के जानकी मंदिर के महंत जी आएंगे। कुछ लोगों ने शायद मन में कोई पूर्वाग्रह रहा होगा और भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पूछे हैं। मैं यही कहूंगा कि हमने संतों को बुलाया है। कुछ लोग संतों को ही दलित कहते हैं, संत भी अपने को दलित नहीं मानते। साधु बने तो भगवान का जो भक्त है वो भगवान का ही भक्ति करता है, लेकिन तो भी अनेक लोग साधुओं को दलित कहते हैं। तो जिन्हें आप और समाज के ऐसे बुद्धिमान लोग दलित कहते हैं परंतु वो साधु हो गए, ऐसे भी अनेक लोग आ रहे हैं। मेरे एक वाक्य को ही समझिए, भारत की भूगोल का प्रत्येक हिस्सा यहां होगा। लगभग संत महात्मा मिलाकर 125 व्यक्ति को लूंगी। हमने इकबाल अंसारी को निमंत्रण दिया है और फैजाबाद के निवासी जिनको पद्मश्री मिला है, फैजाबाद के पत्रकार तो जानते ही होंगे, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद शरीफ, उनके जिम्मे एक ही काम है, उन्होंने जीवन में स्वीकार किया है कोई लावारिस लाश उसको उसी की परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना, और वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। और मुझे बताया गया है कि लगभग अब तक 10,000 दाह संस्कार वो कर चुके हैं और केवल इसी सेवा कार्य के लिए वर्तमान सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पद्मश्री प्रदान किया है। ये मेरी जानकारी ठीक है क्या? हमने उनको पद्मश्री होने के नाते, अयोध्या का निवासी होने के नाते उन्हें आमंत्रित किया है। और वो मुझे ये भी कहा गया कि आखिर इसका पैसा कहाँ से आता है, तो मुझे कहा मोहम्मद शरीफ जिसकी दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है वो उसका सारा सामान दे देता, पैसा मांगता ही नहीं उससे। ये केवल आपकी जानकारी के लिए। हमने एक निमंत्रण पत्र छपवा दिया है। इस निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, दिल्ली के पत्रकार सब जानते हैं, उस कैंपस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होती, किसी भी प्रकार के बैग की अनुमति नहीं होती। यहां भी ऐसा होगा। परिसर में
मोबाइल नहीं, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, कैमरा नहीं। ये कार्ड एक व्यक्ति के लिए है, दो के लिए नहीं है। जिसका नाम कार्ड पर होगा वही व्यक्ति जा पाएगा, और इसलिए हर एक कार्ड पर नंबर है, उसी नंबर की लिस्ट पुलिस को गेट पर दी जाएगी। नंबर और नाम क्रॉस चेक होगा। यदि पुलिस कहेगी तो अपना पहचान पत्र भी दिखाना होगा, वो वोटर लिस्ट कार्ड हो सकता है, वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। यह नॉन ट्रांसफरेबल भी है। आप जानते हैं सब, दिल्ली में कोई अपना कार्ड किसी दूसरे को नहीं दे सकता, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल भी है। और इसमें मोहनराव भागवत, माननीय गवर्नर आनंदीबेन पटेल और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का अंकन किया गया है, उसको छापा गया है। ये कार्ड आज अयोध्या में वितरण होना शुरू हो गए। अयोध्या में उन लोगों को पहले दे रहे हैं जिनका निवास अयोध्या में ही है। बाहर के लोग जैसे जैसे आ जाएंगे तो वो जिस आश्रम में जिस स्थान पर ठहरेंगे उनको उनके कमरे में कल रात्रि में पहुंचा दिया जाएगा। किसी प्रकार का वाहन पास जारी नहीं किया गया है। सभी वाहन रंग महल बैरियर नंबर 2 वाहनों का प्रवेश पोस्ट ऑफिस का तिराहा, पोस्ट ऑफिस तिराहे से अशर्फी भवन की ओर जाना और वहां से एक सड़क संभव के तोतादरी मठ की बगल से चढ़ती है ना, वो ऊपर को चढ़ती है और फिर वो रामकोट के बैरियर पर पहुंचती है। उसके बाद अगला बैरियर क्रॉसिंग नंबर 2 कहलाता है, उसको रंग महल बैरियर भी कहते हैं। वहां तक सभी गाड़ी जा पाएंगी। संतों को या निमंत्रितों को वही उतरना होगा। गाड़ी उसके आगे अमावा मंदिर के मैदान में पार्किंग हो जाएगी और संत रंग महल आश्रम के सामने से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश कर जाएगा। जो लोग यहाँ के हैं वो जानते हैं कि दूरी अधिक से अधिक 250 गज, 200-250 कदम से ज्यादा नहीं। ये एक सामान्य बात है। प्रधानमंत्री के आगमन के 2 घंटे पहले तक सबको पहुंचना होगा। प्रधानमंत्री परिसर में पहुंचेंगे, उससे 2 घंटे पहले प्रवेश बंद करेगी सुरक्षा कर्मी। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग भी हमारी ओर से निवेदन कर दीजिए 10:30 बजे तक प्रवेश प्राप्त करने। सभी को पोस्ट ऑफिस चौराहा तोतादरी मठ की बगल की सड़क से लेकर रामकोट रंग महल बैरियर क्रॉसिंग नंबर 2 तक जाना होगा। वहीं उतरकर प्रवेश होगा। गाड़ी बाद में बाएं हाथ मुड़ते हुए पार्क हो जाएगी अमावा मंदिर के मैदान में। कार्यक्रम लगभग 2 बजे तक चलने की ये अंदाजा उम्मीद लगाई जा रही है। 2 बजे तक कार्यक्रम पूरा हो जाएगा ऐसा अनुमान है। एक और बात भी सुनने में आई और कुछ लोगों को शायद प्रधानमंत्री का इतना भय सताता रहता है कि रात को उनको प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं तो उनकी नींद उचक जाती है और इसलिए ये हरा रंग क्या होता है, हरे रंग के भगवान कपड़े पहनेंगे, इसको भी प्रधानमंत्री से जोड़ दिया। वो हरे रंग से प्रभावित थे कि प्रधानमंत्री के भय से प्रभावित थे समझ में नहीं आता। ये विषय प्रधानमंत्री कार्यालय का नहीं है, मुख्यमंत्री से भी इसका संबंध नहीं है और ट्रस्ट का भी इससे कोई संबंध नहीं है। परंपरा से पुजारी जी प्रत्येक दिन किस रंग के कपड़े हो इसका निर्धारण वो करते आ रहे हैं और वो स्थायी तय है उनका, उसमें वो किसी दूसरे से प्रभावित होकर कोई परिवर्तन नहीं करते। यह है एक विषय, लेकिन अब मैं इस पर और बोलना चाहूंगा। ये चारों ओर पेड़ आपको हरे दिख रहे हैं, क्या इस्लाम दिख रहा है? ये हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रतीक है। जिस किसान के घर में हरियाली खेत में सूख जाए
वो किसान की खेती खत्म। ये समृद्धि का प्रतीक है, ये प्रकृति का रंग है। जब आप रोज घुइयां खाएंगे, आलू खाएंगे, डॉक्टर कहेगा हरी सब्जी खाओ, तो क्या इस्लाम खा रहे हैं आप? ये बेहूदी बातें हैं। रंग के ऊपर चर्चा करना ये बुद्धि की दिवालियापन, ये बुद्धि की विकलांगता का प्रतीक है। हरा रंग हिंदुस्तान की नहीं, सारे संसार में जिनके पार्कों में हरियाली नहीं होती, वो अपने मकान की छत पर बाग लगाते हैं, मकान की छतों पर गमले रखकर हरियाली पैदा करने की चेष्टा करते हैं। ये हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रतीक है। इसकी चर्चा आपको नहीं बढ़ानी चाहिए। जिनका जन्म हिंदुस्तान की मिट्टी में हुआ है, ऐसे लोगों को ऐसी बेतुकी बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैंने महाराज जी को पूछा, क्या किसी रंग का कहीं निषेध लिखा है क्या? तो उन्होंने कहा, हमको दिखा दे कोई किसी रंग का निषेध भगवान की पूजा में आया हो तो, कि हम भी देखना चाहेंगे उस आदमी के ज्ञान को। मुझको महाराज जी ने कहा, कोई निषेध नहीं है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय पुजारी करते हैं। हमारे यज्ञ मंडप में सभी रंगों के ध्वज लगते हैं अलग अलग, उसमें हरे रंग का भी ध्वज बड़े सम्मान के साथ लगता है। हरा रंग कोई हमारे लिए निषिद्ध नहीं है, और वो किसी अकेले के लिए भी निर्धारित नहीं है। ये योगा योग है, इसमें कोई विचार नहीं हो पाया, लेकिन भगवान ने सूत्र मिला दिया। जब पहला लॉकडाउन पूरा हो गया और दूसरे लॉकडाउन के इंस्ट्रक्शंस जारी हो गए, तब ये विचार आया कि अब इस लॉकडाउन के विरुद्ध भगवान की पूजा की जाए, आराधना की जाए, और ये लॉकडाउन हमारे मंदिर के काम में बाधक ना बने, इसका निवेदन परमात्मा से किया जाए। यही बैठे थे, सामान्य लोग थे, कोई बड़े विद्वान नहीं थे। और फिर 18 अप्रैल से ठीक गर्भगृह पर स्थान देवता की पूजा, वास्तु पूजा और देवताओं का आह्वान प्रारंभ कराया। और जून के महीने में लगभग ये बात आ गई कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को आ सकते हैं। आज 3 अगस्त है, आप सब लोग गणित लगाइए, 18 अप्रैल से गिनना शुरू करिए, आज 108 दिन पूरे होते हैं कि नहीं। ये विधि का विधान है, हमारा विधान नहीं। 108 दिन से वहां निरंतर स्थान देवता की प्रसन्नता के लिए पूजन और होम किया जा रहा है। 2 बार विष्णु सहस्त्र नाम के, भगवान विष्णु के 1000 नामों से आहुतियां दी गई। 1 बार भगवान राम के 1000 नामों से आहुतियां दी गई। ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी के 1000 नामों से आहुतियां दी गई है। वहां एक दिन रुद्राभिषेक किया गया है, और एक दिन रामार्चा हुई है। रामार्चा अयोध्या में और वैष्णवों में ज्यादा प्रचलित है, वो जानते हैं 6 से 7 घंटे लगते हैं। भगवान राम के तमाम भाइयों की, सेवकों की, युद्ध में सहायता करने वालों की पूजा होती है उस दिन, 6 से 7 घंटे लगते हैं। और एक गुप्त नवरात्रि आती है, मैं तो जानता भी नहीं था महाराज। तो गुप्त नवरात्रि पर यहाँ दुर्गा सप्तशती का पारायण हुआ, और एक दिन 700 मंत्रों से आहुतियां हुई। आषाढ़ मास में जो एक काल होता है उसे गुप्त नवरात्र कहते हैं। और इस प्रकार 108 दिन पूरे होने के बाद आज वहां गणपति का पूजन प्रारंभ किया है। अथर्वशीर्ष के मंत्रों से 1000 आहुतियां, और 9 शिला प्रस्तर उनकी आज पूजा की गई है। छोटे हैं वो, छोटे हैं जो उठाए जा सके, हाथ में पकड़े जा सके। कल देवकाली का, आज छोटी देवकाली का पूजन भी किया गया, छोटी बड़ी दोनों, छोटी और बड़ी देवकाली दोनों का पूजन भी किया गया। कल पुनः रामार्चा होगी, और अयोध्या के पंडित रामानंद दास जी महाराज बड़े विद्वान हैं, वो इस रामार्चा को संपन्न कराएंगे। कल मंगलवार है, अयोध्या में कोई अच्छा काम हो तो हनुमानगढ़ी के निशान की भी पूजा होनी चाहिए। हम चाहते थे कि वो निशान हनुमानगढ़ी से चले और शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजन होते हुए सरयू पर जाए, लेकिन गद्दी नशीन ने बहुत विवेक से काम लिया,
और कहा कि कोरोना के इस महामारी में जब निशान साहब निशान निकलेंगे हनुमानगढ़ी के, तो उसके साथ हनुमानगढ़ी के नागा बड़ी संख्या में आ जाएंगे, वो ठीक नहीं रहेगा, और इसलिए हनुमानगढ़ी में ही पूजन करेंगे कल मंगलवार को। और इस प्रकार हम हनुमान जी के हनुमानगढ़ी के प्रतीक चिन्ह की पताका की पूजा कल वहां करेंगे। और जन्मभूमि पर जहां आज भगवान विराजमान है लकड़ी के टेम्पररी टेम्पल में, वहां रामार्चा करेंगे। पांच तारीख को जहां मंदिर का गर्भगृह तैयार होना है, उस स्थान का अंग्रेजी में तकनीकी भाषा में कहेंगे कोऑर्डिनेट्स, उत्तर से कितना, दक्षिण से कितना, पूरब से कितना, पश्चिम से कितना दूर, वो सब गणित हो गया है, स्थान का चिन्ह अंकन हो गया है, वहां पर पूजा होगी। एक शिलापट का अनावरण भी कल परसों होगा, पांच तारीख को। शिलापट पर वही भाषा लिखी गई है जो लगभग निमंत्रण पत्र पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय ने मंदिर के नए मॉडल का एक डाक टिकट भी जारी किया है, मेरे विचार से 5 रुपए का है। उस डाक टिकट का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। रामलला के दर्शन भी करेंगे और एक छोटे से पारिजात वृक्ष का रोपण भी करेंगे। मंच पर पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, वो मंच पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल मंच पर रहेंगी, आदरणीय आनंदी बहन पटेल, ठीक बोला है नाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी मंच पर रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत मंच पर बैठेंगे। और देश के दुनिया में सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी मंच पर रहेंगे। अभी तक ये 5 लोग ही मंच पर उपस्थित रहेंगे। पांच तारीख के यजमान श्रीमान सलिल सिंघल है, सलिल सिंघल SALIL, ये अशोक सिंघल जी के बड़े भाई के सबसे बड़े पुत्र हैं। वो कल आ जाएंगे। हमने दिसंबर के महीने में कार्यकर्ताओं को कहा था कि संपूर्ण भारत की पवित्र नदियों का जल और मिट्टी अयोध्या आए। समाज ने जिस उत्साह से इस विषय को पकड़ा, उसकी तो हमारे को कल्पना ही नहीं थी। कभी मैं गिनती भी नहीं कर सकता 1500 स्थानों से आया कि 2000 स्थानों से जल आया। अनेक लोग मानसरोवर का जल लेकर आए हैं। अंतः सलिला सरस्वती का जल भी आया है हरियाणा से। और देश की जितनी पवित्र नदियां किसी के भी ध्यान में आ सकती हैं, उन सब का जल आया है। गंगा सागर से जल आया है तो जगन्नाथपुरी के समुद्र का जल आया है। रामेश्वर, कन्याकुमारी और सोमनाथ के समुद्र का जल आया है। श्रीलंका से भी समुद्र का जल आया है। अर्थात देश के तमाम समुद्रों से जल आया है, मिट्टी भी आई है। मैं मानता हूं लगभग 2000 स्थान, उदाहरण गंगा तो एक है, देवप्रयाग से गंगा आई है, ऋषिकेश से आई है, हरिद्वार से आई है, गढ़मुक्तेश्वर से आई है, कानपुर से आई है, प्रयागराज से भी आई है, तो पटना से भी आई है, गंगा सागर में भी गंगा है। तो 100 से भी अधिक नदियां और कम से कम 2000 स्थानों का जल। शास्त्रों
श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी के से जल और मिट्टी भेजी है, शारदा पीठाधीश्वर है, शारदा पीठाधीश्वर कांची के पूज्य विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज, कांची पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य, उन्होंने पंच धातुओं से बना हुआ एक कमल का फूल भेजा है जिसके ऊपर नवरत्न जड़े हुए हैं। और बकुल नाम का कोई पेड़ है, उसकी जड़ का शंकु बनाकर भेजा है जो पूजा में काम आएगा। ये कांची से आया, शंकराचार्य जी ने भेजा है, बहुत सामान भेजा है, महाराज जी के साथ आया, महाराज जी उस पीठ के शिष्य हैं, बहुत सामान आया। अनेक लोगों ने कहा है कि ये हमारे घर की गाय का शुद्ध घी है, हमने अपने घर में निकाल कर तैयार किया, मेरे पास कम से कम 6 से 7 किलो घी आया, हमारे घर का ही गाय का हमारे द्वारा घर में निकाला गया है, बाजार से नहीं खरीदा। कैसी श्रद्धा से लोग चीजें ला रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने सभी संतों के लिए एक चांदी का सिक्का भेंट करने के लिए भेजा है, लोगों के लिए भेजा है। हाँ, वो सबके लिए हो जाएगा। आज जो यजमान बनकर बैठे हैं महेश भागचंद का, वो भी सबको वितरित करने के लिए इस अवसर पर भेंट देने के लिए चांदी के सिक्के बनवा कर लाए, उस पर राम दरबार बना हुआ है। एक महानुभाव ने चांदी की एक प्लेट पोस्टकार्ड साइज से बड़ी उस पर जय श्री राम रखकर भेजा है, और नाग और नागिन अच्छी है, लगभग 1-1 फुट की चांदी की, ठोस चांदी की बनवा कर दी है, क्योंकि नाग और नागिन तो रखनी होगी नीचे, नहीं तो छोटी छोटी पत्तियां जो जेब से गिर जाए तो मिट्टी में ढूंढे भी ना मिले, ऐसी रखते हैं प्रतीक रूप में। लेकिन 1-1 फुट की ठोस चांदी की नाग और नागिन भेजी है इनको। ये समाज की भागीदारी का मैंने बहुत संक्षिप्त वर्णन किया। मैंने वैसे पहले बताया है आपको, पटना के महावीर मंदिर के कुणाल किशोर साहब ने 2 करोड़ रुपया दिया है। आपको मालूम होगा तभी महाराष्ट्र में आज जो मुख्यमंत्री है वो 3 करोड़ रुपए की घोषणा कर गए, उनकी ओर से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 करोड़ रुपया बैंक में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो कहां से आया पता ही नहीं लगता। बैंक ट्रांसफर में किसने भेजा, प्रेरक कौन है, भेजने वाला कोई होता है, प्रेरणा देने वाला कोई होता है, लेकिन आया है और महाराष्ट्र से आया है। हमारे पास जो स्लिप आई है उस पर शिवसेना लिखा हुआ है। आज के जो यजमान है महेश भागचंद का, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ कुछ ऐसा लाख उसका चेक आपको दूंगा। 5-5 लाख रुपए के कई आइटम बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं। 1-1 लाख की संख्या बहुत बड़ी है और उससे छोटी संख्या तो हम गिनती ही नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशन से नहीं, हम इसी काम में उलझ जाएंगे। इतनी श्रद्धा भक्ति से लोग धन दे रहे हैं और इससे लगता है कि भगवान के चरणों में लक्ष्मी बैठती है, उल्लू की क्या लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती होगी, लेकिन भगवान के तो चरणों में रहती है। जो भगवान से विमुख है उनके लिए उल्लू पर बैठकर आती है। हाँ, जो भगवान से विमुख होते हैं। लेकिन अनेक लोगों ने नक्शा पास कराया जाएगा विकास प्राधिकरण में। नक्शा मंदिर का पूरे 70 एकड़ जमीन का जो डेवलपमेंट होगा तो अंडर रूल्स होना चाहिए। तो हमारा कहना है कि विकास प्राधिकरण ने उसको अप्रूव करना चाहिए और उसकी फीस हम बाई चेक ट्रांसफर करेंगे। मैंने पूछा है टेंटेटिव फीस बताओ ताकि हम इकट्ठी करना शुरू करें, तो उन्होंने कहा कि कम लगकर होगी, कोई भी छूट नहीं देंगे। हमको छूट नहीं चाहिए, ये देश के भविष्य का भी कार्य है और भगवान का भी काम है। और मुझे लगता है कि कब देना होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये विकास प्राधिकरण की नक्शा पास करने की फीस 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच में आएगी, वो दी जाएगी, और ये हमारे लिए गौरव की बात होगी ताकि आने वाली संतानों को भी कोई कष्ट ना हो। अनेक लोगों ने मंदिर के मॉडल के विस्तार पर भी चर्चा की है। जब अयोध्या के लोग ज्यादा जानते हैं, जब आंदोलन शुरू हुआ था तब तो वहां जमीन ही नहीं थी,
कुल 14,000 स्क्वायर फीट जमीन थी और हमने मंदिर का एरिया बना लिया एक एकड़। 1986 में तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कभी 70 एकड़ जमीन हमको भगवान को मिलेगी। भगवान जमींदार बन गए। तो जब भगवान को 70 एकड़ जमीन आ गई तो थोड़ा सा सोचा आके इसको और जरा बड़ा कर दिया जाए, इतना ही अंतर है। मौलिक मॉडल जो का त्यों, जो ओरिजिनल ड्राइंग है वो एज इट इज पत्थर तराश कर कार्यशाला में रखे हैं वो पहले इस्तेमाल होंगे। दो खंभों के बीच की दूरी नहीं बदल सकती, उसके अनुसार ही बीम लगेंगे। गर्भगृह का सर्किल नहीं बदल सकता, उसी के अनुसार दीवारें लगेंगी, बन चुकी हैं। लेकिन जब ये बन जाएगा तब दाएं बाएं एक एक गुंबद और लंबाई में एक गुंबद की वृद्धि और ऊंचाई में एक फ्लोर की वृद्धि। ये हम चित्र कोशिश करेंगे कल के बाद आपको उपलब्ध करा सके, भिन्न भिन्न एंगल से फोटो। मैंने अभी डाक टिकट पर कौन सा फोटो छपा है ये भी मैंने देखा नहीं है। उन्होंने तो डाक टिकट के साइज के हिसाब से कोई फोटो सिलेक्शन किया होगा। अनेक लोगों ने आने की इच्छा व्यक्त की, हम आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, हमारी इतने कुर्बानियां हुई हैं। हमने अयोध्या के निवास करने वाले उन परिवार के सदस्यों को बुलाया है जिनके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति 1990 2 नवंबर 30 अक्टूबर को गोली खा गया। उदाहरणार्थ गाजियाना का धरकार राजेंद्र धरकार, छोटा सा बच्चा था, अयोध्या का निवासी है इसलिए उसको बुला लिया। वासुदेव गुप्ता उसकी पत्नी, जो भी परिवार का होगा। रमेश पांडे रानी बाजार और भेलसर के रामचंद्र गुप्ता का परिवार। कलकत्ता से राम शरद की बहन पूर्णिमा कल आ जाएंगी, पूर्णिमा कोठारी। शेष को बुलाना कठिन था, दूरियां साधन की बहुत सारी बाधाएं थी। और ये कहा गया है कि जैसे ट्रेन मिले कहीं तक आइए, सोचेंगे बाद में। इलाहाबाद तक राजधानी आ रही है इसलिए आ जाएगी। समाज को निवेदन किया है आप अपनी शुभकामनाएं भेजिए। आप सबके माध्यम से हमने समाज के निवेदन किया है 5 तारीख को जैसा आनंद अयोध्या में दिख रहा है ऐसा आनंद सब गांव और कस्बों में दिखाई दे। घर का वातावरण त्योहार का वातावरण बने। पूजा भजन कीर्तन प्रसाद वितरण और सायंकाल दीपोत्सव। लेकिन किसी को चिढ़ाने का काम नहीं होना चाहिए, आनंद मनाना यानी दूसरे को दुखी करने के लिए नहीं करना। जब निर्णय आने वाला था तब भी हमने नवंबर में तय किया हिंदू समाज इसको सामान्य घटना के रूप में ले, और वैसा करने में हम सफल हुए। अभी फिर निवेदन करेंगे, ये 5 तारीख का कार्यक्रम गांव और कस्बों में किसी को चढ़ाने के लिए नहीं है, और इसलिए हमने इकबाल अंसारी को बुलाया। यहाँ सिख आ रहे हैं, बौद्ध आ रहे हैं, आर्य समाजी आ रहे हैं, जैन भी आ रहे हैं, शैव और शाक्त आ रहे हैं, वैष्णव की सब परंपरा आ रही है। हमारे समाज के किसी भी बंधु को उत्साह का अतिरेक नहीं करना चाहिए, ये हम सबसे निवेदन करते हैं। और कोरोना उसके दिशा निर्देश, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से शारीरिक दूरी, इस सब का ध्यान रखा गया है, और इसीलिए संख्या को बहुत सीमित सीमित सीमित। अनेक लोगों को कष्ट होगा, हमें क्यों नहीं, उनसे हमने व्यक्तिगत टेलीफोन करके माफी मांगी है। आयु का भी ध्यान रखा गया, आदमी आएगा कैसे, 90 साल से अधिक आयु का व्यक्ति आएगा कैसे, चेन्नई से पाराशरण जी कैसे आ सकते हैं, अडवाणी जी कैसे आएंगे, कौन सा है रास्ता। इसलिए हमने सबकी आयु सबके प्रति श्रद्धा आदर का ध्यान रखते हुए ये सूची बनाई है। चातुर्मास, हम चातुर्मास में किसी को उसका विधान छोड़ने के लिए नहीं कह सकते,
जो दंडी सन्यासी साधु हैं, जो चातुर्मास में जिनकी परंपरा है, वासुदेवानंद जी महाराज, उडुपी के मध्वाचार्य, कांची आचार्य, आप लोग शायद कितना याद रखेंगे, आप भी जिनकी चातुर्मास की व्यवस्था है, उन सबके भी नाम हमने हटाए हैं, लेकिन सबको आदर पूर्वक एक एक व्यक्ति से टेलीफोन पर वार्ता की गई है। आप आ पाएंगे, आप नहीं आ पाएंगे, लोगों ने अपने कारण बताए हैं, आयु, साधन, चातुर्मास। जब सबका उत्तर आ गया, मध्यम माध्यम नहीं बनाया बातचीत के लिए, सीधी वार्ता हुई। इस प्रकार बड़े परिश्रम पूर्वक ये सब निर्णय किए गए। आपके मन में कोई और बात हो? सर एक सवाल ये है कि जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है, क्या उनको ये कहा गया है कि कोविड टेस्ट भी करा के आएं? नहीं, लेकिन जो समझदार लोग हैं, हमने किसी को नहीं कहा, ये हो भी नहीं सकता। आप भी जान रहे हैं कि रिकवरी रेट बहुत तेज है। आपको नहीं मालूम मेरे संबंध कितने हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर आपका मैं दे दिया, आपको मेरे और उनके बीच के रिश्तों का जानकारी नहीं है। मैंने टेंटेटिव बताया, एक कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा एक और चीज है कि आपने कहा कि कई जगहों से मिट्टी आएगी, उसमें चित्तौड़ की मिट्टी से लेकर के तमाम बातों को आपने उल्लेख किया, जिसमें कि आरएसएस का भी जो लाखों के वहां से भी राज्य वहां से आएगी, सभी जगहों से। ये हम इतने कच्चे सेंटिमेंटल नहीं है। आपका सवाल वो कोई धर्म स्थान नहीं है, वो संघ के स्वयंसेवकों के लिए आदर का स्थान है, वो हमारी आरती और पूजा का स्थान नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार के उस स्मारक की इमारती नहीं उतरते। उनको मेरा प्रणाम। आप जिस दिन वो ले रहे हो वहां जरूर जाइए फोटोग्राफी करने के लिए। आपने धरना, आपका विषय है, धरना उसने नहीं कहा, धरना आप कह रहे हैं, आपका जो लग रहा है गलत लग रहा है। वाराणसी से आएंगे, मथुरा से आएंगे, अयोध्या और दिल्ली के लोग रहे। हाँ, बराबर मेंटेन होगा। अभी शिला के 9 पीस जो सॉलिड स्टोन, वो हमने चयन किए जो हाथ से उठाए जा सके, और जो 1989 में समाज ने राम शिलाओं का पूजन करके भेजा था, उसमें से जो सॉलिड स्टोन था वो हमारे पास सुरक्षित रखे थे। इस विषय को थोड़ा सा मुझसे सुन लीजिए। आप सब लोगों ने, आपकी ओर से भी कहा, लोगों ने भी कहा, सोशल मीडिया पर भी शिलान्यास शिलान्यास ऐसा शब्द आता रहा, कहीं पर भी हम लोगों ने अपने न्यास की ओर से शिलान्यास शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसको ठीक से ध्यान में लेना चाहिए। इसके मुहूर्त के लिए जब मैंने काशी के विद्वत शिरोमणि पंडित गणेश्वर शास्त्री जी से अनुरोध किया, तब भी मैंने उनसे पत्र में यही लिखा कि इसका शिलान्यास तो पूर्व में हो ही गया है, लेकिन पुनः उसका कार्यारंभ करने के लिए हम लोगों को मुहूर्त दीजिए। यह कार्यारंभ का मुहूर्त है और भूमि पूजन उसके अनुसंग से अपने आप ही किया जाएगा। अब बात है शिलान्यास की, प्रतीकात्मक शिलान्यास भी होगा, लेकिन ध्यान ये रखिएगा, टेक्निकली जो हमारे कर्मकांड की दृष्टि से शिलान्यास कहा गया है वो ये शिलान्यास नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक होने के कारण जो हम, अब आप लोगों ने अभी सुना कि उसका नक्शा पास होना है, उसका नक्शा पास होने के पश्चात जब उसका खाद लिया जाएगा, मतलब वहां पर गड्ढा किया जाएगा, हाँ, और उसके कुछ बीम डलेंगे, उसके पश्चात इन शिलाओं की स्थापना
ठीक जहां पर भगवान रामलला विराजमान होंगे उसके नीचे ठीक उसके नीचे कुर्मशिला की स्थापना होगी और न और उसके अतिरिक्त 8 शिलाओं की और स्थापना होगी। ऐसे कुल मिलाकर के 9 शिलाओं की स्थापना होती है। इन समस्त शिलाओं का पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से किया जाएगा और उसके साथ साथ कांची महाराज के द्वारा जो कुछ भेजा गया है वो अत्यंत अमूल्य निधि है। कांची मठ में आज 6 बजे पत्रकारों को बुलाया भी है, वहां पर उसका प्रदर्शन भी होगा, आप उसमें देख सकेंगे। आदरणीय चंपत राय जी ने जो कहा उससे भी बहुत अधिक उन्होंने भेजा है क्योंकि सबकी श्रद्धा इसके साथ जुड़ी है। अब वह पंच धातुओं से बना हुआ कमल, उसके ऊपर जड़ित नव असली नवरत्न, अब यह सब जो निधि है उनका सबका पूजन और बकुल, यह सबसे नाजुक पुष्प होता है आप लोगों को पता है, उसके वृक्ष के काष्ठ का बना हुआ शंकु यह उसमें स्थापित करना होता है। इन सबका पूजन होगा, इन सबका पूजन होकर के और यह सब कुछ हम लोगों के द्वारा पुनः भगवान रामलला के मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा क्योंकि वहां पर हम लोगों को बहुत नीचे जाकर के गड्ढा लेकर के फिर इन सबको स्थापित करना है। शिलान्यास पहले हो चुका है लेकिन फिर इस शुभ कार्यारंभ के निमित्त से चूंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार नहीं आ सकते, ये देख करके इन सबका पूजन करके उनको हम सुरक्षित स्थान पर पवित्र स्थान पर विराजित करेंगे और यथासमय जब नक्शा पास होकर के हम लोगों को कार्य के आरंभ की अनुमति मिलेगी और फिर वहां का उत्खनन होगा तो योग्य स्थान बना करके ठीक रामलला के नीचे उस कुर्मशिला की स्थापना होगी। इसको ध्यान में लीजिए, कहीं पर भी हम लोगों ने शिलान्यास इस शब्द का प्रयोग न निमंत्रण में किया है न किसी को बोलते समय किया है, लेकिन चूंकि लोगों को यह शब्द प्रिय लगता है लोगों ने उस शब्द को सोशल मीडिया पर ले लिया, सर्वत्र ले लिया, लोगों की श्रद्धा, आप श्रद्धा के ज्वार को जानते हैं, इसमें यह सब चलता रहा, तो इसलिए इस बात को आप लोगों तक पहुंचाइएगा, ये प्रार्थना है। इसके साथ साथ जब मैंने ध्वनि वर्धक ले ही लिया है तो जो मैं आगे कहने वाला था वो अभी बतला ही देता हूं आपको। मुझे जो कल से सूचनाएं मिल रही है, चूंकि भगवान ने कोषाध्यक्ष पद का दायित्व उसकी सेवा मुझे सौंपी है तो लोग मुझे दूरभाष पर अपनी अपनी बात बतलाते रहते हैं। पहली घोषणा मैं ये करना चाहता हूं कि हमारे पूज्य गुरुदेव भारत माता मंदिर के संस्थापक और इस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के साथ पूरी